हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 7 न्यूट्रिशन डाइट की एक्सरसाइज। ओके, फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो हम लोग खाना खाते हैं ना, तो और उसका जो यूटिलाइज करते हैं अपने लाइफ प्रोसेस के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। ओके, ऑल द सबस्टेंस इन आवर फूड which are useful for various bodily processes are called nutrients। जो भी सबस्टेंस हमारे फूड में मिलते हैं जो कि हमारे बॉडी फंक्शन के लिए अच्छे होते हैं, तो उसे उनको बोलते हैं न्यूट्रेंट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। ओके, नेक्स्ट, इन अ बैलेंस्ड डाइट ऑल द न्यूट्रेंट्स आर प्रेजेंट इन द राइट प्रोपोर्शन। In the food pyramids, cereals are given the maximum space because they fulfill our nutritional requirement. Okay, intake of more food than necessary cause overnutrition. अगर हम अपनी जरूरत से ज्यादा फूड ले लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, उससे ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट, Spot the following in the table of vitamins and minerals. The nutrients present in citrus fruit. Citrus fruit में कौन सा nutrient होता है? Vitamin C. Okay. Second B है vitamins, minerals present in milk. कौन कौन से vitamin और कौन कौन से minerals milk में पाए जाते हैं? Vitamin A, vitamin B, vitamin D, calcium and phosphorus. Okay. ये सब किस में मिलते हैं? Milk. Okay. Next है cause and symptoms of night blindness, scurvy, rickets and beriberi. इनके क्या causes हैं, क्यों होते हैं और इनका symptoms क्या है? तो first night blindness, तो इसके जो causes हैं क्यों होते हैं, deficiency of vitamin A, ठीक है, vitamin A की कमी से night blindness होता है। इसके जो symptoms हैं वो क्या है, inability to see in dim light, ठीक है ना, मतलब जो अगर लाइट कम है तो उसमें हम देख नहीं सकते। ओके, स्कर्वी, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। जो स्कर्वी होता है वो क्यों होता है, विटामिन सी की कमी से, और इसमें इसका जो सिम्टम्स है ब्लीडिंग ऑफ गम्स, ठीक है ना, हमारे गम से ब्लड आना लगता है। रिकेट्स, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, ठीक है ना, एंड जो सिम्टम्स है सॉफ्टिंग ऑफ बोन्स, बोन इसमें बहुत सॉफ्ट हो जाती है, वीक हो जाती है, जिससे कि फ्रैक्चर भी हो जाते हैं हमारे। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है बेरीबेरी, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1, ये विटामिन B1 की कमी से होता है, और इसमें जो सिम्टम्स है वो है नर्व डिसऑर्डर्स, मसल्स वीकनेस। ओके, नेक्स्ट आपका है जो D1, फूड रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द अबव डिजीज। अब जो ये डिजीज है नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरीबेरी, इनको हम कैसे रोक सकते हैं बोला, ठीक है, देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस को हम कैसे रोक सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या लेना चाहिए अपने फूड में, कैरोट, मिल्क, बटर, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटो, डीप येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, स्कर्वी, आंवला, स्कीवी, ऑरेंज एंड अदर सिट्रस फ्रूट, जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, कैबेज, टोमेटो एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। रिकेट्स, मिल्क, फिश, एग एंड बटर, सन एक्ट एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन डी। जो विटामिन डी का जो मेन सोर्स है वो कौन है, सन। ओके, नेक्स्ट, बेरीबेरी, मिल्क, फिश, मीट, सीरियल्स, नट्स एंड पल्सेस। ओके, नेक्स्ट स्टेप का कॉज ऑफ एनीमिया, ठीक है, एनीमिया क्या क्यों होता है हमें, एनीमिया इज मेनली कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी एंड डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। मतलब इसमें हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, तो ये क्यों होता है, एक तो डिफिशियंसी ऑफ आयरन एंड डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, ठीक है। नेक्स्ट, एसेंशियल मिनरल्स फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ।
हमारे बोन्स को हेल्दी रखने के लिए हमें कौन सा मिनरल्स लेना चाहिए बोला. ओके तो देखो कौन सा है, कैल्शियम फॉस्फोरस. ओके नेक्स्ट आपका सेंसरी ऑर्गन अफेक्टेड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए. कौन से सेंसरी ऑर्गन ऐसे हैं जो कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से अफेक्ट होते हैं, वो है आइज एंड स्किन. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन 3, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. पल्सेस आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. ठीक है, ये इसका आंसर है. प्रोटीन हमको सबसे ज्यादा किस में मिलता है, पल्सेस में. डैश प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी टू द बॉडी. ओके सबसे ज्यादा इनमें से जो मैक्सिमम तो वो कौन है, सीरियल. सीरियल्स हमें क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी. ओके गॉइटर इज कॉज्ड बाय अ डिफिशियंसी ऑफ द मिनरल आयोडीन. आयोडीन की कमी से हमें क्या होता है, गॉइटर, जो हमारे गले की जो डिजीज होती है. ओके नेक्स्ट, डैश इज अ टाइप ऑफ जंक फूड. अब इनमें से जंक फूड क्या है बोला, ऑरेंज, नई मिल्क, भाकरी, चॉकलेट. तो इसमें से क्या है जंक फूड, चॉकलेट. ओके नेक्स्ट, यूज द फूड पिरामिड टू सेलेक्ट फूड आइटम ऑफ योर चॉइस फॉर 3 days. ठीक है ना. और जो इसमें 3 days जो हमको पिरामिड दिया हुआ है उसे हमें फूड चॉइस करना है अपने हिसाब से कि हमें डेली कितना क्या खाना है उसमें से. ठीक है ना. द डाइट फॉर ऑल 3 days शुड बी बैलेंस, और वो बैलेंस होना चाहिए. देयर शुड बी वेराइटी इन द आइटम्स चूजन फॉर द 3 days. और जो 3 days का आप जो चूज करोगे अपना डाइट को, उसमें भी अलग अलग क्या होना चाहिए, फूड आइटम होना चाहिए. ओके तो ये देखिए आपको दे रखा है ना, देखिए ये आपको क्या दिया है, डाइट पिरामिड दिया, बैलेंस डाइट पिरामिड दे रखा है ना आपको. तो इससे क्या बोला है कि उसमें चूज करके आपको करना है कि कौन सा 3 days के लिए आपको चार्ट बनाना पड़ेगा कि ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे, देन लंच में क्या खाएंगे, देन डिनर में क्या खाएंगे. ओके तो वो फूड आइटम आपको इनसे सेलेक्ट करके वो आपको बनाना है. तो हम लेके आए हैं कुछ बना के, देखिए जैसे है डे वन में. तो डे वन में आप सीरियल्स लाइक कॉर्नफ्लैक्स एंड मिल्क, ओके एप्पल, रोटी, सब्जी एंड दाल. ओके नेक्स्ट डे टू, ब्रेड एंड बटर विद मिल्क, राइस, रोटी एंड चिकन, कर्ड, एनी वन टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड सलाद. डे थ्री, पोहा, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड दाल विद राइस, रोटी, रायता, वन फ्रूट्स वेजिटेबल सैंडविच. तो इसमें से आप अपनी जो चॉइस का है, ठीक है ना, आप अपनी चॉइस से भी इसमें डाल सकते हैं कि आपको क्या खाना पसंद है, लेकिन वो सब हेल्दी होना चाहिए. ओके तो ये आपका ये वाला चैप्टर फिनिश होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे. ओके बाय.